बैंक रिकंसिलिएशन। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में बैंक रिकंसिलिएशन फीचर के बारे में जानेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन से आप एंट्रीज को रिकंसाइल कर सकते हैं और चेक इश्यूड, रिसीव्ड के डिटेल्स जैसे अनक्लियर एंट्रीज, क्लियरिंग डेट इत्यादि मेंटेन कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन फीचर यूज़ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, अकाउंट्स टैब में बैंक रिकंसिलिएशन फीचर को एनेबल करें। इसके बाद हम अकाउंट मास्टर यूज़ करके बैंक्स के लिए अकाउंट क्रिएट करेंगे, यानी जिन जिन बैंक्स में हमारा अकाउंट है उनके लिए अकाउंट मास्टर क्रिएट करेंगे। बैंक का नाम बताया हमने, कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वह बताया, बैंक अकाउंट नंबर बताया। अब जब आप मास्टर को सेव करेंगे तो अनक्लियर्ड एंट्रीज विंडो चेक इश्यूड और चेक डिपॉजिटेड दोनों के लिए ही आएगी। यह विंडो में आप आपके जितने भी अनक्लियर्ड चेक्स की डिटेल्स हैं वो एंटर कर सकते हैं, चाहे वो चेक आपने इशू किए हैं या डिपॉजिट किए हैं, दोनों की ही डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बेसिकली जैसे आपने कोई चेक 29 मार्च या 30 मार्च को एंटर किया तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल को वो अनक्लियर एंट्रीज शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसी डिटेल्स जो चेक्स आपके अभी तक क्लियर नहीं हुए और लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, चेक इश्यूड की और चेक डिपॉजिटेड दोनों की ही। इसके बाद हम एक और बैंक मास्टर क्रिएट करेंगे। पहले हमने SBI के लिए बैंक अकाउंट मास्टर क्रिएट किया, अब हम PNB के लिए एक बैंक अकाउंट मास्टर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएंगे और अनक्लियर्ड कोई चेक इश्यूड या चेक डिपॉजिटेड की हमारी एंट्रीज हैं वो हम अनक्लियर चेक इश्यूड डिपॉजिटेड विंडो में एंटर करेंगे। इसके बाद हम पेमेंट या रिसिप्ट से जुड़ी एंट्रीज अपनी एंटर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पेमेंट वाउचर एंटर किया 10th अप्रैल का, पार्टी सिलेक्ट करी, पार्टी का अमाउंट बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक बैंक चार्जेस लिए हैं 30 रुपीज़ के, क्योंकि हमने RTGS के थ्रू पेमेंट करी थी तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हमने लगे हैं वो भी हमने इस वाउचर में डेबिट किए हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है वो हमने यूज़ किया है। इसके बाद हम एक रिसिप्ट का वाउचर एंटर करेंगे कि हमें अलग अलग पार्टी से रिसिप्ट हुई है और कौन से बैंक में हुई है उसकी डिटेल्स हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने रिसिप्ट का वाउचर 15 अप्रैल की डेट का एंटर किया है। सबसे पहले हमने पार्टी सिलेक्ट करी जिन पार्टी से हमें चेक रिसीव हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बेदानी ट्रेडर्स जो पार्टी है उनकी डिटेल्स एंटर करी। उसके बाद हमने लिया बिग व्हील्स के नाम से हमारी एक कंपनी है, उनसे भी हमें चेक आया है बेदानी ट्रेडर्स से 30,000 का और बिग व्हील से 20,000 का। चेक नंबर आप बता सकते हैं यहाँ पे पार्टी वाइज कि इस पार्टी से इस नंबर का चेक रिसीव हुआ है, इस पार्टी से इस नंबर का चेक जो है आपको रिसीव हुआ है। बैंक सिलेक्ट कीजिए और सेव बटन प्रेस कीजिए वाउचर को सेव करने के लिए। यहाँ पर हम एक और रिसिप्ट का वाउचर एंटर कर रहे हैं 20 तारीख का, इसमें एक ही पार्टी है, यह जो अमाउंट है ये हमें PNB बैंक में रिसीव हुआ है। अब हम डिस्प्ले बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन यूज़ करके वेरियस रिपोर्ट्स देख सकते हैं। सबसे पहले हमने शो ऑल एंट्रीज की रिपोर्ट देखी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, इसने हमें ये डिटेल्स शो करी। यहाँ पर आप F4 की यूज़ करके वाउचर्स की क्लियरिंग डेट बता सकते हैं, बेसिकली चेक्स की क्लियरिंग डेट बता सकते हैं। जैसे ये वाउचर 15 तारीख का था तो इसकी क्लियरिंग डेट जो है वो 15 तारीख है या उससे आगे जिस भी दिन को वो आपका चेक क्लियर हुआ है वो डेट आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है क्लियर फुल वाउचर, अगर आप यस करते हैं तो पूरे वाउचर में जितने भी चेक्स आपके यूज़ हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप नो करते हैं तो पर्टिकुलर एंट्री जो है उसका जो डिटेल्स हैं वो क्लियर्ड मानी जाएंगी। जैसे यहाँ पे इस वाउचर में बेदानी ट्रेडर्स और बिग व्हील्स दो कंपनी हैं, तो बेदानी ट्रेडर्स वाला हमारा चेक क्लियर हो गया तो उसके आगे हमने क्लियरिंग यस करी, बिग व्हील्स वाला चेक अभी क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे क्लियरिंग डेट में अभी नो ही रहने दिया। इसी तरीके से आप सिर्फ अनक्लियर एंट्रीज़ की भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि जो आपकी अनक्लियर एंट्रीज पड़ी हैं वो व्यू करके आप यहीं से उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख सकते हैं। जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखी,
आप अकाउंट्स को रिकनसाइल करके देख सकते हैं। पीएनबी के लिए हमने ये रिपोर्ट व्यू करी, तो एक्चुअल बैलेंस और क्लियर्ड बैलेंस, ये सारी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में नज़र आ जाएंगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है, ईयर एंड पे जो हमारी एंट्रीज अनक्लियर्ड रह गई हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो आप यहाँ पे जब फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, तो बिजी ने आपसे पूछा भी कि आप बैंक रिकन्सिलेशन फीचर यूज़ कर रहे हैं या नहीं। यह मैसेज तभी आता है जब आपकी बहुत ज़्यादा अनक्लियर एंट्रीज ऐसा डेटा पड़ा हो। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है फॉरवर्ड हो गई और हमने बैंक अकाउंट जो है ओपन करके देखा, तो उसमें अनक्लियर एंट्रीज में जितने भी लास्ट ईयर के अनक्लियर वाउचर्स थे उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई। हो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बैंक रिकन्सिलेशन फीचर बिजी में इजीली यूज़ कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।